नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, लगातार पिछले 10 दिनों से हम कोशिका विज्ञान पढ़ रहे थे। दोस्तों, आज हमारी ये 11वीं क्लास रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों लाइसोसोम। दोस्तों, लाइसोसोम के मैंने 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो दोस्तों आपसे पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, आज इन्हीं 5 क्वेश्चनों पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चन इसी वीडियो में याद करा दूंगा, बट दोस्तों मेरी एक शर्त है, आपको ये वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपका समय खराब ना करते हुए चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 53 से, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 तक हमने पिछले 10 वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम को, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम को, ऑप्शन नंबर डी कोने। तो भैया, आपको एक बात बता दूं, आत्महत्या की थैली ये एक उपनाम है। ये किसका उपनाम है दोस्तों, आपसे पूछा है। तो भैया, ये लाइसोसोम का उपनाम है। तो कहने का मतलब दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों लाइसोसोम को कोशिका का परमाणु बम और दोस्तों इसे कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इसे दोस्तों कोशिका का परमाणु बम और दोस्तों कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगर वह ऊर्जागर भी कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं राइबोसोम की बात करूं तो भैया राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये दोस्तों सभी उपनाम है जो कि दोस्तों आपको याद रखने हैं, क्योंकि अधिकांश जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो कुछ इस तरीके से ही पूछे जाते हैं। दोस्तों एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का परमाणु बम भी दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का सफाई कर्मी भी दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आगे के क्वेश्चनों में मैं दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से बताने वाला हूँ डिटेल में। बस फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। कोशिका का परमाणु बम भी दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का सफाई कर्मी भी दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्तिघर कहा जाता है। कोशिका का शक्तिघर क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों कोशिका में जो ऊर्जा बनती है दोस्तों वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, और कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया भी दोस्तों किस में होती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस कारण दोस्तों इसे कोशिका का शक्तिघर व ऊर्जाघर भी कहा जाता है। दोस्तों राइबोसोम होता है ये दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। ये दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। इस कारण दोस्तों इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 की। दोस्तों लाइसोसोम से अगर क्वेश्चन नंबर 2 पर पूछे जाने की जो संभावना है दोस्तों वो ये क्वेश्चन है। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है दोस्तों कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए डी डूबे ने, ऑप्शन नंबर बी अल्टमैन ने, ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर डी रोबर्ट ब्राउन ने। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए डी डूबे ने। दोस्तों 1949 में दोस्तों किसकी खोज की थी, भैया लाइसोसोम की खोज की थी। इनके बारे में भी दोस्तों मैं आपको विवरण में बता देता हूं। दोस्तों अल्टमैन व फ्लेमिंग ने 1890 में दोस्तों किसकी खोज की थी, सूत्र कणिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी दोस्तों, सूत्र कणिका की खोज की थी। बात क्लियर है।
अगर दोस्तों मैं रोबोट ब्राउन की बात करूं तो दोस्तों रोबोट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी भैया। किसकी खोज की थी दोस्तों? केंद्रक की खोज की थी। बात क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं कि भैया क्रेमर, एक वैज्ञानिक था क्रेमर, इस क्रेमर ने दोस्तों किसकी खोज की थी? तो क्रेमर ने खोज की थी दोस्तों कोशिका झिल्ली की। किसकी खोज की थी दोस्तों? कोशिका झिल्ली की खोज की थी। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगर दोस्तों मैं कोशिका भित्ति की बात करूं, अगर दोस्तों मैं कोशिका भित्ति की बात करूं कि भैया कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, तो दोस्तों कोशिका भित्ति की खोज की थी रोबर्ट हुक ने। किसने? रोबर्ट हुक ने खोज की थी। बात क्लियर है। और देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूं कि भैया कोशिका का जनक कौन है, कोशिका का जनक दिख तो रहा है ना आपको? हाँ दोस्तों, कोशिका का जनक है भैया रोबोट। बात क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो दोस्तों आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक है दोस्तों स्वानसन। कौन है? स्वानसन। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, उसका नाम है द सेल। बात क्लियर। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो दोस्तों भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो भैया भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक है ए.के. शर्मा। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। दोस्तों इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि निम्न में से किसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों लीवर, ऑप्शन नंबर डी है किडनी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बन सकता है और दोस्तों पूछे जाने की भी संभावना है। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से किसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो दोस्तों किसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता? तो भैया आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ये जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी में दोस्तों लाइसोसोम नहीं पाया जाता। एक बात को ध्यान रखना दोस्तों, जो प्लांट सेल होते हैं, दोस्तों जो प्लांट सेल होते हैं, इन प्लांट सेल में, इनमें भी दोस्तों लाइसोसोम नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में भी दोस्तों लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन दोस्तों कभी कभी इनमें भी उपस्थित होता है। प्लांट सेल में भी दोस्तों लाइसोसोम उपस्थित होता है। बेसिकली दोस्तों प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लेकिन दोस्तों बात यह आती है कि भैया पाया किस किस में जाता है, तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, और दोस्तों बहुत सारे हैं, जैसे कि दोस्तों एक है सलाइवा, सलाइवा में भी दोस्तों लाइसोसोम पाया जाता है। लीवर में दोस्तों कुप्फर कोशिकाएं जो होती है, इस कुप्फर कोशिकाओं में भी दोस्तों लाइसोसोम पाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, और जो प्लांट सेल होते हैं दोस्तों इनमें भी लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, इनमें लाइसोसोम उपस्थित हो जाता है, यानी कभी कभी पाया जाता है, हर कोई में नहीं पाया जाता। कहने का मतलब ये है, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, आपकी जो बोन्स होती है हड्डियाँ, इन हड्डियों में भी दोस्तों पाया जाता है, सलाइवा में भी पाया जाता है, कुप्फर कोशिकाओं में भी पाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 56 आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों इससे अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों उस अगले क्वेश्चन को तो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि दोस्तों उस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। लाइसोसोम बनता है ऑप्शन नंबर ए,
गोल्जी इकाई के टूटने से, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया के टूटने से, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक के टूटने से, ऑप्शन नंबर डी कोनी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गोल्जी इकाई के टूटने से। दोस्तों जो आपका लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम दोस्तों कैसे बनता है, जब दोस्तों गोल्जी इकाई टूटता है, तब दोस्तों लाइसोसोम बनता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 57 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि हमारे कोशिका में बाहर से आने वाले जीवाणु व विषाणु को नष्ट करने में कोशिका का कौन सा अंग सहायक होता है। क्वेश्चन को एक बार और समझिए दोस्तों कि हमारे कोशिका में बाहर से आने वाले जीवाणु व विषाणु को नष्ट करने में कोशिका का कौन सा अंग सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। देखिए दोस्तों जो लाइसोसोम होता है, इस लाइसोसोम में दोस्तों एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है दोस्तों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। दोस्तों इसका पीएच मान जो होता है वो होता है दोस्तों 4 से 5, अर्थात दोस्तों इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। ये एंजाइम क्या करता है दोस्तों, कोशिका की, ये कोई कोशिका है, अगर इस कोशिका में दोस्तों बाहर से अगर कोई वसा आ गई, कोई प्रोटीन आ गई और कोई कार्बोहाइड्रेट आ गई, तो दोस्तों इनके पाचन करने में सहायक होता है दोस्तों कौन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पहला कार्य तो दोस्तों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का ये हो गया कि भैया अगर कोशिका में बाहर से कोई वसा आ गई, कोई प्रोटीन आ गई, कोई कार्बोहाइड्रेट आ गई, तो उसके पाचन में कौन सहायक होता है दोस्तों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सहायक होता है, अर्थात दोस्तों लाइसोसोम सहायक होता है। इस कारण दोस्तों ये कोशिका के आंतरिक पाचन में सहायक होता है, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोशिका के आंतरिक पाचन में कौन सहायक होता है दोस्तों, तो भैया लाइसोसोम होता है। पहली बात आपको समझ में आ गई कि लाइसोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसका पीएच मान दोस्तों 4 से 5 होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, अम्लीय होती है। ये क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, अगर कोई कोशिका है, कोशिका में बाहर से कोई वसा आ गई, प्रोटीन आ गई या कार्बोहाइड्रेट आ गई, तो दोस्तों उसके पाचन में सहायक होता है। इस कारण दोस्तों ये कोशिका के आंतरिक पाचन में सहायक होता है। पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात ये है दोस्तों कि अगर ये कोई कोशिका है, इस कोशिका में दोस्तों अगर बाहर से कोई विषाणु आ गया, वायरस आ गया, कोई जीवाणु आ गया, अर्थात दोस्तों कोई बैक्टीरिया आ गया, तो दोस्तों ये क्या करता है, कोशिका में चला जाता है। कोशिका में दोस्तों लाइसोसोम उपस्थित होता है। लाइसोसोम में दोस्तों ये एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो दोस्तों ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, ये दोस्तों फट जाता है और दोस्तों इस कोशिका में आए हुए वायरस और जो विषाणु और जो बैक्टीरिया, जो विषाणु और जो जीवाणु होते हैं या वायरस और जो बैक्टीरिया होते हैं उनको दोस्तों नष्ट कर देता है। इस कारण दोस्तों इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, जिसके कारण दोस्तों पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। दोस्तों इसे कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है और दोस्तों ये फटता है, इस कारण दोस्तों इसे कोशिका का परमाणु बम भी कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। जय हिंद साथियों।